हाय दिस इज निक्की तंबोली, यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली रिपोर्ट। क्योंकि उन्होंने राहुल को कुछ कहा था, यार मतलब तू मुझे सुधारने की क्यों कोशिश कर रहा है, गेम के हिसाब से नहीं बनाती, मेरा रिश्ता रुबीना के साथ हमेशा के लिए रहेगा। अनएक्सपेक्टेड तो डेफिनेटली था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मेरे कॉम्पिटिटर्स जो है उनके फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत साल से काम किया है। आई एम फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री, तो मुझे पता नहीं था, घर में रह के आपको पता नहीं कि आपके फ़ैन्स कितने, आपको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे ऐसे लगा था कि मैं नहीं पहुँच पाऊँगी टॉप थ्री में, क्योंकि क्या है, लोगों ने इतना मुझे नीचे खींच दिया था, पुल बैक किया था, टांग खींचते रहते थे, तो अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मेरा थोड़ा सा हिल गया था, तो इसके वजह से एक्सपेक्टेड नहीं था, बट मैं पहुंच गई, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत करी हूँ ना, थैंक यू। आने के बाद बदल गई, क्योंकि क्या हुआ ना, काफ़ी चैलेंजेस आ गए नए जिनको मैं जानती नहीं थी, फिर चैलेंजेस के साथ झगड़े, तीन चैलेंजेस के साथ तो मेरे झगड़े हो गए, तो फिर इतना तू मैं हो गया। और आने के बाद मेरा एक्चुअली घर में कोई दोस्त था नहीं, रुबीना मेरी सिस्टर बनी बाद में, बट पहले तो कोई था नहीं, मेरा दोस्त कोई भी नहीं था, तो आई यूज़ टू फील अलोन, तो वो सिचुएशन हालात चेंज हो गए थे, तो इसीलिए थोड़ा चेंजेस आ गया था। हाँ हाँ, तो वो तो ये रोस्ट था ना, वो हमको टास्क दिया गया था रोस्ट करने का, तो उन्होंने मुझे रोस्ट किया था कि ये निक्की मुझे पूरे सीज़न कंफ्यूज लगी है, और मैंने उसे ये कहते हुए रोस्ट किया था, क्योंकि उन्होंने राहुल को कुछ कहा था, यार मतलब तू मुझे सुधारने की क्यों कोशिश कर रहा है, हम बाहर तो नहीं मिलने वाले, तो और हम एक टीम में थे, मैं और राहुल, तो वैसे हमको एक दूसरे, मतलब हम लोग तो एक दूसरे के अगेंस्ट थे ना रोस्ट करने में, तो तब मैंने कहा था हमारी टीम जीतने के लिए कि हम बाहर नहीं मिलने वाले, तुझे कन्फ्यूज लगा तो ठीक है लगा। लाइक घर के बाहर रुबीना के साथ कौन कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा, बढ़िया होगा यार, मैं रिश्ते गेम के हिसाब से नहीं बनाती, मेरा रिश्ता रुबीना के साथ हमेशा के लिए रहेगा। हाँ फ्लिपर आई डोंट थिंक सो इज इट्स बैड फॉर अ गेम, अगर आप गेम समझते हो तो फ्लिप मारना कोई ये बुरी बात नहीं है। रही बात बदतमीज़ी की, मुझे लगता है ये घर ऐसा है बिग बॉस का कि हालात बदल जाते हैं, आपके दुश्मनियाँ हो जाती है, कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं ऊंचे नीचे, तो आपकी आवाज़ कभी बढ़ती है, और मैं घर में सबसे ज़्यादा यंग थी, तो काफ़ी लोग मुझसे बदतमीज़ी से बात करते थे, तो मुझे भी कभी कभी मेरा आवाज़ ऊंचा करना पड़ता था, बट इट्स नॉट अ बदतमीज़ी, बट हाँ उस बात की मुझे ऐसा उस बात का मुझे एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। या ही इज़ अ नाइस गाय, ही इज़ अ नाइस गाय, अच्छा क्रश नहीं है, आई लाइक हिम, क्रश बिल्कुल भी नहीं है, आई लाइक हिम, इज़ अ नाइस गाय, इज़ अ स्वीट गाय। हाँ हाँ, तो रुबीना एंड जान फॉर कन्फर्म, रेस्ट आई डोंट नो, अभी देखते हैं कैसे होता है क्या होता है। काम काम और काम, बस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड और बहुत सारा काम। यार आई वुड लव टू थैंक्स माई फैंस, हाथ जोड़ के, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, इतना प्यार बरसाया है, आई लव यू गाइज अ लॉट, आपके वजह से मैं आज टॉप थ्री में पहुंची हूँ, अगर आप ना नहीं होते तो पता नहीं मैं कहाँ होती, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग मी, आई लव यू अ लॉट। ये सलमान सर ने हमको दिया है टॉप फाइव फाइनलिस्ट को, ये हमारे सनशाइन के हिसाब से, तो मेरी सनशाइन है लियो, तो उस बेसिस पे सर ने मुझे ये दिया है। बहुत बहुत मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं बाहर आई हूँ, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था घर के बाहर आऊँ, बट एक्सटेंड हुआ नहीं और हम बाहर आ गए। बहुत डांट पड़ी है, लेकिन हमेशा मुझे समझाया है, अगर आप देखते इतर कंटेस्टेंट को कितनी डांट पड़ी है, मुझे हमेशा समझाया है, भले वो ज़ोर से चिल्ला के, बट वो समझाया है मुझे, तो मैंने उनकी बात अपने भेजे में डाल दी है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मुझे ये बहुत कम छोटी उम्र में ये बात समझा दी, सो दैट आई कैन वर्क ऑन इट। टू बी स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं भूलना, और अपने आप में बिलीव करो, और
सबको सबको रिस्पेक्ट करो, इम्पोर्टेंस दो, और आप बस ज़्यादा इमोशनल, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना ये घर सिखा देता है। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, तो घर में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, और एंड तक रहते रहते आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो।